आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में तकी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। तकी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तकी के माने क्या हैं? तकी नाम का मतलब क्या है? तकी में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? तकी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तकी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? तकी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? तकी उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तकी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तकी के माने और तकी नाम का मतलब है परहेजगार, खुदा से डरने वाला, पारसा, नेक, सीधे रास्ता पर चलने वाला। तकी में तीन हरूफ हैं, ते, काफ, ये। ये इंग्लिश में तकी लिखा हुआ है, ये हिंदी में तकी लिखा हुआ है। तकी उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें तकी लिखना है तो सबसे पहले ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह तकी लिखा हुआ आ जाएगा। तकी लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन चार बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर तीन, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर चार, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में तकी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर एक, ते। नंबर दो, काफ। नंबर तीन, ये। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ते, ये लाइन पर ही लिखते हैं। काफ, आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीब भी कहते हैं, और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे ते, यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, और काफ इस तरह से यहाँ शॉर्ट लिखेंगे, और ये यहाँ पर ऐसे ही फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, ते, और ये क्या लिखा, काफ, और ये क्या लिखा, ये। तो ये क्या हो गया, तकी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।